पठानकोट में शहीद भगत सिंह इंकलाब मोर्चा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम को जिला प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। पंजाब के मौजूदा हालातों का हवाला देते हुए पैदल मार्च को रद्द कर दिया गया। पैदल मार्च को रद्द करने पर आयोजकों ने रामलीला ग्राउंड के अंदर कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने ना मंजूर कर दी। आयोजकों ने इस फैसले के खिलाफ कड़ा एतराज जताया है। वहीं शहीदों के परिवारों ने भी जिला प्रशासन के फैसले पर एतराज जाहिर करते हुए रोष व्यक्त किया। पार्टी के कार्यकर्ता जड़े ने इकट्ठे हो के गए ने उत्थे शहीद भगत सिंह जी का दिहाड़ा मनाने के लिए, परंतु पठानकोट के विच जड़ा या वो दिहाड़ा नहीं मनाया जा रहा। पठानकोट जिले के विच शहीद फैमिली जो उन्होंने परिवार तकरीबन 150-200 के करीब है और इतने प्रोग्राम नहीं किया गया। नमस्कार, मैं हरंचना, तुसी वेख रहे हो डूडे हेडलाइंस। अज 23 मार्च यानी कि शहीद भगत सिंह जी का जड़ा आ उस शहीदी दिवस इतने मनाया जा रहा है। रामलीला ग्राउंड विखे शहीद भगत सिंह इनकलाब मोर्चा वालों शहीद भगत सिंह जी का इतने शहीदी दिवस मनाया जा रहा जाना सगा, परंतु किसी कारण करके SSP जी के दिशा निर्देशों अनुसार कार्यक्रम जड़ा है बंद करवा दिया गया। उन्होंने कहना है कि पठानकोट जड़ा है संवेदनशील इलाका है, जिस करके इतने कोई भी इस तरह की रैली ना कढ़ी जाए जिदे नाल माहौल खराब हो सके। इतने हम देखना होगा शहीद भगत सिंह इनकलाब मोर्चा के जड़े लोग जो मिल के रैली कर रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रोष जड़ा है वो देखने को मिल रहा है। मैं ग्राउंड की तस्वीरें तुम दिखाई हूँ रामलीला ग्राउंड के इस वेले आप मौजूद हाँ। रामलीला ग्राउंड के जिते कि तैयारियां होनी चाहिए सी उ समान जोड़ा है वो वापस लैके जाया जा रहा है, क्योंकि भगत सिंह जी का जोड़ा शहीदी दिवस है पठानकोट के नहीं मनाया जा रहा है। तुम दस दिए कि बीती रात जोड़ा है वो SP मनोज जी वालों जोड़ा ऑर्डर दिए गए हैं कि आ जो कार्यक्रम है वह ना किया जा सके, क्योंकि हालात जोड़े ने पंजाब के मौजूदा हालात के उत्ते उन्होंने दसिया है कि हालात खराब ने, इस करके रैलियां जड़िया ने ना कीतियां जान। परंतु नाल ही नाल शहीद भगत सिंह जी के पिंड खटखट कला विखे जिसमें 144 भी लगी हुई है, पर उत्थे जोड़ा आ समागम किया जा रहा है। तो विशाल जोड़ा आ वो बहुत ही ज़्यादा विशाल रैली जी उ कभी जा रही है। उत्थे नाल ही नाल मैं तुम दस देव कि पठानकोट के विचों भी जोड़ा है वह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोड़े ने इकट्ठे हो के गए ने उत्थे शहीद भगत सिंह जी का दिहाड़ा मनाने के लिए, परंतु पठानकोट के जोड़ा आ वो दिहाड़ा नहीं मनाया जा रहा, जिस दे करके लोगों के भी रोष पाया जा रहा। आप लोगों भी गलबात करते हैं कि कारण करके जोड़ा है ये बंद करवाया गया, तो उन्होंने की कहना ठीक क्या नाम है आपका? आप यहाँ से सामान उठा रहे हैं क्यों? क्योंकि काम कैंसिल हो गया जी। काम किस वजह से कैंसिल हुआ? पता नहीं इसका जी, पता नहीं सुबह पता लगा काम कैंसिल है। आपने रात की तैयारियां कर रखी थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रात की कल दोपहर की तैयारी करके रखी थी। अच्छा, दोपहर से ये सामान आप यहाँ पे ला रहे? लगा हुआ था। तो अब उठाने में आपको मुश्किल क्या करना आपको? उठाना तो पड़ेगा ही। कोई मतलब आपको कोई दुख? नहीं नहीं, दुख क्या है, थोड़ा महसूस तो होता है काम कैंसिल हो गया। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो सामान उठा रहे थे, जो लोग सामान उठा रहे थे इतों, उन्होंने भी आप गलबात की है, तो उन्होंने भी कहा कि शहीद भगत सिंह जी का दिहाड़ा जोड़ा है वो नहीं मनाया जा रहा, इस करके उन्होंने भी थोड़ा जहा दुख लग रहा है कि जोड़े राजनीतिक कार्यक्रम है वो तो चलते रहेंगे ने, परंतु जो तो शहीदों की बारी आती है तो शहीदों के कार्यक्रम रद्द क्यों किए जाते हैं? मैं कैप्टन रसपाल सिंह सलारी पठानकोट। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और भगत सिंह का एक इतना बड़ा दिन है कि पूरी दुनिया के साडे पंजाब के खास भगत सिंह जो है मशहूर बंदे थे, लेकिन पठानकोट के प्रोग्राम हर साल होता था, पर इस बार
ਸਾਹਣਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 144 ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸ਼ਿਤਪਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੈਲੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਅਮਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਬਸ ਬਸ ਆਰਾਮ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਰਨ ਸਲਾਵੀਆ यहाँ आए हुए सभी पदाधिकारियों और पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज इस शहीदी समारोह के ऊपर हमारे शहीद परिवारों को यहाँ बुलाकर उनका मनोबल ऊँचा किया और सभी को याद किया। साथ ही ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि सरदार भगत सिंह हमारे जो शहीद हैं सबसे बड़े पंजाब के मानते हैं जिनको हम उनके दिन के ऊपर लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए और ख़ास करके ये सरकार की तरफ से ये आदेश है कि ये मना रहे हैं लोग और हमें इन लोगों को यहाँ शिवसेना और ये अखा वाले को नहीं मनाने दिया। ये एक विचार की बात है कि ये वजह क्या है। पठानकोट वैसे भी एक बड़ा बहुत ही एक अच्छा ज़िला है और यहाँ पर शांति कभी भी भंग नहीं हुआ आज तक देखा गया है। बड़े बड़े पूरे दिन भी देखे 84 के ब्लू स्टार में हम लोगों ने काम किया यहाँ पर पंजाब के अंदर फिरोजपुर में था उस समय में कंपनी कमांडर था 15-16 साल 20 साल मेरी नौकरी थी उस समय। तो ये कोई हो सकता है हम इसको कोई बुरी निगाह से नहीं दे रहे हैं परंतु ये एक डीमोरलाइज करती है ऐसी चीज़ें जो लोगों को बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्शन दी जाए बढ़ावा दिया जाए। मजबूरी हो सकती है मैं मान लेता हूँ पर एक छोटी सी बात को एक बात का एक बड़ा एक हौवा बना देना किसी चीज़ का ये भी जनता में ना एक नेगेटिव और एक थोड़ा सा एक डीमोरलाइज करने वाला मैसेज आता है। हमें एतराज़ करूँ जैसे एमएलए साहब ने बोला कि हम किसी की को प्लीज नहीं करेंगे या एतराज़ नहीं करेंगे परंतु सबसे परे है कि अगर पूरे पंजाब में ये मनाया जा रहा है तो ये पठानकोट में इसका आज क्या वजह हो सकती है खास के ये नहीं करनी चाहिए। कोई वजह हो सकती है मैं मानता हूँ हम वर्दी वाले लोग हैं हम डिसेबल वाले लोग हैं परंतु थोड़ा जिन सदस्यों ने यहाँ काम किया इतनी मेहनत की या तो एक दिन पहले बता देते 24 घंटे अलग बात ही लोग आ गए हैं यहाँ से गाड़ियाँ में देख रहा हूँ वापस जा रही हैं तंबू वापस जा रहे हैं सारा सामान वापस जा रहे हैं थोड़ा अच्छा नहीं लगता।